आज आप देखो हजारों लोग हैं, हजारों भी छोड़ो करोड़ों लोग हैं जिनके पास वचन नहीं है, वो खाना खा के जीवित हैं, पर आप जानते हो एक जगह पे वो पूरी तरह से मरे हुए हैं। एक एक पार्ट है उनके लाइफ में जिसमें वो डेड हैं, और वो पार्ट है वे परमेश्वर की पहचान में मरे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं पता है, वो डिस्टर्ब हैं, दिन काट रहे हैं, दिन निकल रहे हैं, कैलेंडर देख देख के वो जी रहे हैं, बस अब लोन पूरा होगा, अब लोन पूरा होगा, अब ये प्रॉब्लम जाएगी, वो डेट्स को देख के खुश हैं। लेकिन आप देखो, और बड़े दुख की बात है, अगर यहां पर कोई मसीह व्यक्ति भी अगर इनसिक्योर है, अगर कोई यहां पर है जो अपने आप को अकेला फील करता है, या आपको लगता है कि कुछ लोगों ने उतनी नहीं निभाई आपके साथ जितनी उन्होंने आपसे प्रॉमिसेस किए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। बताइए, जब ज्योतिषियों ने, इंग्लिश में लिखा है वाइस मैन, जब वो अपने घर से निकले उस तारे का पीछा करते करते, आप में से कितनों के बाद जानते हैं जैसे वो तारे को देखते थे उन्हें क्या मिलता था? कुछ और भी मिलता था, वहीं पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है कि उस तारे को देखकर उन्हें कुछ मिला था। बताइए क्या मिला था? बाइबल ऐसा बताती है, आज से बहुत साल पहले जब यीशु का जन्म हुआ, तो आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अन्य जातियों पर भी और इसराइलियों पर, दोनों पर रिवील किया था। ये अन्य जाति जो वाइस मैन थे और जो चरवाहे उन दिनों में चरवाही कर रहे थे उन पर भी प्रकट किया था। जब यीशु का जन्म हुआ तो दोनों को बताया गया, क्योंकि हम दोनों ही कुल थे, क्योंकि प्रभु ने अब्राहम से कहा था तेरा वंश तू सारी जातियों के लिए ब्लेसिंग ठहरेगा। ऐसा नहीं है कि जब यीशु आया तो उसका माइंड चेंज हो गया कि इसराइली ग्रहण नहीं करते तो मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। हमारे बचने का प्लान उत्पत्ति से था, प्रभु ने पहले ही ठान लिया था कि मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। कई लोग एक वचन पढ़ते हैं ना जिसमें लिखा है मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। वर्ड को वर्ड से कंपेयर करो, यीशु मसीह हर एक के लिए आया था, इसलिए लिखा है यशाया नबी की किताब में जो उसे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने उसे पा लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है उस तारे को देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिला, वो खुश हो रहे थे। अब तक वो तारे को देख रहे थे लेकिन यीशु को वो मिले भी नहीं थे, लिखा है दे फील जॉय। उसके बाद आप पढ़िए, जब यीशु का जन्म हुआ उससे पहले लिखा है स्वर्ग दूतों का एक झुंड आया और बड़े आनंदित थे, वो डांस कर रहे थे और वो बहुत कुछ कह रहे थे। अगेन आप देखो यहां पर एक आनंद दिख रहा था। और आप देखो जब यीशु का जन्म हुआ, जब वो अंदर था मां के पेट में, नमस्कार ये किसने कहा था? मरियम ने। ये किसके अंदर गया? एलिशिबा के अंदर। एलिशिबा के अंदर कौन था? क्या लिखा है वहां पर? कैसे लिखा है? आनंद के मारे वो उछला। आप नोटिस करो, उसके जन्म से पहले ही इतना जॉय था, इतना आनंद था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके अंदर जॉय की लैकनेस है तो क्यों है? यीशु ने कहा मेरा आनंद तुम में बना रहे और पूरा हो, इसका मतलब तुम उतने ही आनंदित रह पाओ जितना मैं हूं। आज देखो कभी कभी क्या होता है, और पौलुस ने भी एक जगह पर क्या कहा, प्रभु में। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? ध्यान दीजिए सब, यहां देखो, यहां पर कितने लोग हैं जो ऑलवेज 24/7 जॉयफुल रह पाते हैं? मैं नहीं हूं। कोई है ऐसा जो कहे कभी भी मेरे से मिलो, कभी भी घर पे आ जाओ, 3 बजे उठाओ? देखो मैं इरिटेट होकर बात नहीं करूंगा। कितने लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं? जोर से कहिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता बेटा दे दिया। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यह वचन आधी रात को कहा गया था? सोचो कोई आपको आधी रात को उठाए और कहे, गिलातियों में एक क्वेश्चन है, आप बोलोगे इधर आ, गिलातियों सर पे मारू तेरे।
लेकिन यीशु ने यह वचन आधी रात को एक निकुदमुस नामक व्यक्ति उससे मिलने आया तब कहा था उसने। आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई रात को आधी रात को इसको उठाओ और आधी रात को भी उसके मुंह से रेवलेशन निकल रहे? क्यों? वो जॉयफुल पर्सन था। अब सुनिए, कितने लोग आने वाले दिनों में आनंदित रहना चाहते? और ये आपको भी पता है कि अगर जॉय नहीं है तो मसीह जीवन भी उबाऊ लगता है, राइट? कभी कभी हम सोचते हैं यार क्या प्रेयर 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 प्रेयर, सरोटी प्रार्थना ही कहूं यार। लिसन, यीशु क्यों आनंदित था, हम क्यों नहीं है? मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूं, हमारा आनंद डिपेंड है हमारे सर्कमटेंस पर। यू नो, हम इंतजार कर रहे हैं ये हो तो मैं खुश रहूं। एक दिन मैं एक भाई से मिला और उनका एक शॉप है उल्लासनगर में ही, इतने खुश थे और मैंने कभी इतना उनको खुश नहीं देखा था। सीधा मिले, मेरे को गले लगाया, जय मसीह की, भैया कैसे हो? मैंने बोला बहुत खुश हो। बोला क्यों? बोला 3 महीने का रेंट एक ही दिन में मिल गया। बोला एक आदमी ने मेरे को 3 महीने का रेंट एक दिन में दे दिया है, इतना खुश इतना खुश। और 3-4 महीने के बाद वापस मिला, इतना दुखी। मैंने बोला क्या हुआ? बोला वो पड़ोसी उठ गया। वो उठा, आनंद भी चला गया। यू नो, कभी कभी जो लोग बहुत चिल्लाते हैं ना, जॉयफुल जॉयफुल, मैं बहुत खुश हूं, खाली इनका पर्स गुम होने दो, किसका नहीं होगा, डोंट वरी। इनका जब पर्स गुम होता है ना, इनका जॉय भी गुम हो जाता है। लेकिन यीशु की खुशी कभी भी सर्कमटेंस पे डिपेंड नहीं थी, क्योंकि आप देखो यीशु के आजू बाजू कभी अच्छे सर्कमटेंस होते ही नहीं थे। हमेशा लोग उसे टोंट करते थे, चिल्लाते थे, पागल कहते थे। इवन आपको पता है गॉस्पल में एक बात रिकॉर्ड नहीं है, वो पीटर में है लिखा है, पतरस कहता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। मतलब पतरस ने देखा था कहां ना कहां यीशु को लोग गालियां देते थे। आप मुझे बताओ, आप भाइयों से पूछता हूं, आप गाली बर्दाश्त कर पाते हो? गाली मैं खुद निकालता हूं। यू नो, आजकल विश्वासी गालियां भी देते हैं, और ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जो नॉन क्रिश्चियंस भी नहीं देते। मां बहन पे चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, खाली कोई गाड़ी तो मारे, कट मारे खाली गाड़ी को, कोई गाड़ी घुमा के जाते हैं उसके पीछे, उसको पकड़ते हैं। और प्लीज इनको देखकर प्रभु पर दोष मत लगाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों का अब तक नया जन्म नहीं हुआ है, ये नामधारी है। नामधारी समझते हो? इनको चर्च आना है, यीशु से इनका वास्ता नहीं है। दे आर नॉट अ क्रिश्चियंस, क्योंकि बाइबल बताती है जो प्रभु का नाम लेता है वो अशुद्धता से बचा रहे। अगर आप अशुद्धता में भी चलते हैं और प्रभु का नाम भी कहते हैं, प्रभु का नाम भी लेते हैं, तो बाइबल बताती है ये एक घृणित काम है। इवन व्यवस्था में भी ये बात थी, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। व्यर्थ मतलब एक तरफ से डबल लाइफ जी के उसको यूज मत करना। डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन, इंग्लिश में लिखा गया है। आप जानते हो यीशु खुश आनंदित क्यों था? उसका एक कारण था। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे ऑसम थिंग है ये कि क्यों जीसस जॉयफुल पर्सन था। पंकज 4 लाइट्स बनकर एक वर्ड कोट कर, लूका 10, आप मत खोलिए, इसके बाद मैं आपसे खुलवाऊंगा। आप सब यहां देखिए 10:20, ये जीसस के लाइफ की है कि वो क्यों खुश था। तो भी इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे, परंतु मैसेज ट्रांसलेशन कहता है इस बात से खुश मत होना कि तूने परमेश्वर के लिए क्या किया है। क्योंकि हो सकता है एक प्रचारक या एक बिलीवर इससे खुश है कि प्रभु उसको यूज कर रहा है, वो कहता है यह भी नहीं होना चाहिए, पर इस बात से खुश हो कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया है। और आप जानते हो सब खुदा ने आपके लिए क्या किया है? खुदा ने आपके लिए सबसे बढ़कर काम यह किया है, खुदा ने आपके लिए अपना बेटा दिया है, और उसमें आनंदित रहो कि वो तुम्हारे साथ है, वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, वो तुम्हें लेने के लिए आएगा, वो हर रिश्ता निभाएगा। अपनी खुशी उसमें ढूंढो। ऐसा लिखा है भजन संहिता में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मूल तेरी हर खुशी वहां से शुरू होती है।
लेकिन अगर आप लोगों पे डिपेंड रहोगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, कभी भी नहीं। मुझे एक बात बताइए, जितनी मैरिड बहनें बैठी हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पति का मूड हमेशा एक जैसा रहता है? रहता है? नहीं रहता है। मैं आप भाइयों से पूछता हूं, क्या आपकी पत्नी का मूड हमेशा एक जैसा रहता है? हाँ बोलिए। अगर आप उन पे निर्भर हो कि हमेशा आपका जॉय का एजेंडा वही है कि हमेशा मुझे खुशी इसमें से मिलनी चाहिए, तो आप फ्रस्ट्रेट रहोगे। आप मुझे बताइए, कितने लोग ये इस बात पे बिलीव करते हैं, यीशु आज कल हमेशा एक है? कितने लोगों ने इस वचन को ऐसे भी पढ़ा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले जो उसके चमत्कार किए थे वो आज भी कर सकता है। मैंने अपने बाइबल में उसके कैरेक्टर के बारे में लिखा है, यीशु का मूड आज कल हमेशा एक जैसा रहता है। आई राइट दिस, आपको चाहिए मैं आपको अपनी इंग्लिश बाइबल दिखा सकता हूं, हिज मूड इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। आज इस पे बिलीव करो, बिलीव करते करते एक दिन ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। फिर आप है ना, क्या लिखा है रोमियो में, जिस ढांचे में तुम रखे जाते हो तुम उसके अनुसार बन जाते हो। रोमियो 8 में लिखा गया, आज इस ढाई को अपने अंदर रखो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आज फेथ करो, कल ये चीजें आपके लाइफ में रियलिटी हो जाएंगी। यू नो कितने सारे भाई बहन है आज मसीहत के अंदर जो उसे पिता कहते हैं, पर उन्हें आज भी वो इनसाइट को सिक्योर नहीं है। वो उसे कहते हैं बाप। यू नो उर्दू में हर जगह पे जहां पर पिता लिखा है वहां बाप लिखा है। हम कहते हैं ना स्वर्गीय पिता, दे कॉल आसमानी बाप। यू नो कुछ लोग उसे बाप कहते हैं, पिता कहते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति शायद कभी अन्य भाषा न बोले, बोल भी सकता है, बहुत लोग बोलते भी हैं, गुड, मैं भी टंग्स में बोलता हूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज लिखी गई है, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर से उसे हे अब्बा हे पिता कहता है। यू नो आप अन्य भाषा बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, बोलते रहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कभी भी आपके मुंह में आती है उसको रोको मत, बट क्या आप पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद आप उसे ये कहते हैं अब्बा? कितना पर्सनल वर्ड है ये, डैड, बाप। अरे आप बेटियों से अच्छा बाप के प्रेम को कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। कहते ना बेटियां बाप की होती है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि परमेश्वर में अपना आनंद ढूंढो, लोगों में नहीं। लोगों का माइंड कभी भी चेंज होगा, वो आज आपको क्या कहेंगे, कल आपको क्या कहेंगे। यू नो एक दिन जब पौलुस का जहाज टूट गया तो लोग कह रहे थे ये पापी है, बाद में एक सांप ने उसको काट दिया, बोलते हैं ये तो है ही पापी, फिर कुछ नहीं हुआ तो बोलते हैं देवता है। कभी भी वो कुछ भी बोलेंगे, आज आपको रॉक स्टार कहेंगे, कल आपको कुछ और कहेंगे, बोलेंगे तू बैगर है। वो वैसे चलते हैं जैसा उनका माइंड लीड करता है। लेकिन यीशु, दाऊद के इस वचन से सुबह की शुरुआत करो, भजन संहिता 139 में लिखा है, बिछौने पर उठते ही मैं तुझे अपने पास पाता हूं, वो आपके साथ रहता है। आमीन। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, और डोंट बी रिलीजियस कि अगर आप सुबह में उठते हो तो आपको एक रिलीजियस बेसिस को बात करनी है। ये हिलती रहती है, इसको लगता है अगर नहीं हिलूंगी तो सुनेगा ही नहीं। यू नो कभी कभी कुछ लोग ऐसे हिलते रहते, अब जब आप उठते हो ना, सुबह उठ के बिंदास को बोलो गुड मॉर्निंग डैड, आप देखना आपके अंदर भी एक विस्मयकारी आवाज आएगी, गुड मॉर्निंग माय सन। यस बिल्कुल, मुझे आज भी याद है, आज से 2 साल पहले मेरे बर्थडे पे मुझे सबसे पहले विश मुझे प्रभु ने किया था। जब मैं उसमें एंटर हुआ तो मुझे अंदर से एक आवाज आई, हैप्पी बर्थडे सूरज। और मैं आपको सच कहता हूं, वो आवाज, यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा आवाज पहचानती है। ये मेरे थॉट्स नहीं थे, ये खुदा की आवाज थी, और बेस्ट बर्थडे था मेरा। उस बर्थडे में किसने मुझे गिफ्ट नहीं दी थी लेकिन मैं बहुत खुश था। बोलो यीशु मसीह की, तो बोलिए मेरा आनंद इसमें है कि
प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, इसमें नहीं कि लोगों ने मेरे लिए क्या किया। ठीक है, लोगों का मन होगा वो आपको उठाएंगे, लोगों का मन होगा आपको नीचे भी कर देंगे। ठीक है,